दो सगी बहनों के पेड़ से लटके शव मिलने की यूपी पुलिस ने शुरू की जांच। परिवार वालों ने बाइक सवारों पर लगाया अपहरण कर हत्या का आरोप। समाजवादी पार्टी ने दलित बेटियों की मौत को बताया हाथरस कांड की पुनरावृत्ति। मकोका केस में जैकलिन के बाद आज नोरा फतेही से दिल्ली पुलिस करेगी पूछताछ। पिंकी ईरानी के साथ होगा सच का सामना। 200 करोड़ की ठगी के मामले में कसा है ईओडब्ल्यू का शिकंजा। बिहार के बेगूसराय में गोलीकांड के बाद भद पिटने के बाद हरकत में आई बिहार पुलिस। आरोपियों की नई तस्वीरें जारी कर पहचान करने वाले को 50,000 रुपए का इनाम का ऐलान। मुख्यमंत्री ने जताया साजिश का शक तो बीजेपी ने पूछा कि क्या कर रही थी पुलिस और सीआईडी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल ने लगाया बीजेपी आरएसएस पर देश को तबाह करने का आरोप। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बोले देश को विश्वगुरु बनाने के लिए बीजेपी से जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता। 2024 में मिलेगा पार्टी को इसका फायदा। यूपी में मदरसों के सर्वे के काम ने पकड़ी रफ्तार। औरैया मुजफ्फरनगर और अमरोहा में मिले बिना मान्यता वाले मदरसे। एसपी सांसद एसटी हसन की अपील नहीं करें सर्वे टीम की जांच में मदद। तमिलनाडु में तिरुवेंदुरई गांव की पूरी जमीन को वक्फ बोर्ड ने बताया अपना। हिंदू बहुल गांवों पर वक्फ बोर्ड के दावे से हड़कंप। जिला प्रशासन ने दिया जांच का भरोसा। कश्मीर के नौगाम में बंगाल के मजदूरों पर हमला करने वाले दो आतंकी ढेर। सुरक्षा के हालात बेहतर होने पर एनसीसी कैडेट के लिए फिर शुरू हुआ नौसेना का ट्रेनिंग कैंप। 33 साल बाद गांदरबल में 100 से ज्यादा कैडेट ने लिया हिस्सा। हिजाब पर रोक से स्कूल छोड़ मदरसे में जाने को मजबूर होंगी लड़कियां। याचिकाकर्ता ने हिजाब के पक्ष में दी इस तरह की दलीलें। आज फिर होगी देश की सबसे बड़ी अदालत में हिजाब केस में सुनवाई। उज्बेकिस्तान में आज से एससीओ की दो दिनों के समिट। 8 देशों की बैठक में हिस्सा लेने पीएम मोदी जाएंगे समरकंद। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मोदी की मुलाकात पर होगी दुनिया भर की नजर। बेगूसराय के बाद बिहार के भागलपुर में अंधाधुंध फायरिंग में सिल्क कारोबारी की मौत। मुजफ्फरपुर में 1.5 करोड़ की उगाही के लिए रंगदारों ने जड़ा कपड़ा कारोबारी की दुकान पर ताला। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर निशाने पर नीतीश सरकार।